हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि अनुपात, समानुपात या तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती या मिश्र समानुपात किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के देखे थे कि कंबाइंड रेशियो किस तरह से निकालते हैं, यानी कि जैसे कि ए और बी का अलग रेशियो दिया हुआ है और बी और सी का अलग, ठीक है, ए बी सी तीनों का कंबाइंड रेशियो किस तरह से निकालना होता है, या फिर ए बी का अलग दिया हुआ है, बी सी का अलग और सी और डी का अलग रेशियो दिया हुआ है, फिर ए बी सी डी इन चारों का कंबाइंड रेशियो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अन्य टाइप के भी थे इसी तरह, तो सभी के हमने देखे कि कंबाइंड रेशियो किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। तो आज से हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ सिंपल क्वेश्चन आज अभी हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिंपल टू डिफिकल्ट, यानी कि सिंपल क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आज से शुरुआत करते हैं, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि ए अनुपात बी इक्वल टू 7:9 और बी अनुपात सी इक्वल टू 5:7 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा, यानी कि ए बी और बी और सी का अलग अनुपात दिया हुआ है, फिर ए और सी का पूछा गया है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखा था कि जब भी ए बी फिर बी सी दोनों का अलग अनुपात दिया हुआ हो तो ए और सी का किस तरह निकालेंगे। अगर दोनों के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाए तो ए की वैल्यू आएगी, और दोनों के सेकंड का मल्टीप्लाई करें तो सी की आएगी, और अगर तीनों का निकालना होता, अगर बी का भी होता तो अगर बीच के बी की वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दे तो बी की आ जाती है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ ए और सी का निकालना है। तो ए अनुपात सी कैसे आ जाएगा, दोनों के फर्स्ट का मल्टीप्लाई, यानी कि ए अनुपात बी कितना है 7:9 और बी अनुपात सी कितना है 5:7, ठीक है। एक वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 35। रेशियो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों की लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, यानी कि सेकंड वाले रेशियो का, तो 9 × 7 कितना आ जाएगा 63, ठीक है। अभी क्योंकि जो रेशियो होता है वो लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो अभी 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड करके 5 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो 5:9 आ जाएगा ए रेशियो सी, तो ए और सी का अनुपात क्या आ जाएगा 5:9, ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू 1/3y और वाई इक्वल टू 1/2z, तब एक्स वाई जेड दोनों का तीनों का रेशियो पूछा गया है कि कंबाइंड रेशियो क्या होगा तीनों का आपस में, ठीक है। तो यहाँ पहले हम एक्स और वाई, वाई और जेड का आपस में निकाल लेते हैं अनुपात। तो यहाँ एक्स रेशियो वाई क्या हो जाएगा, एक्स अपान वाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, यानी कि एक्स रेशियो क्या वाई क्या आ जाएगा 1:3, यह आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से y अपॉन जेड क्या हो जाएगा, y अपॉन जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि y रेशियो जेड क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब अगर x, y, z तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना है तो इसका हमने देखा था लास्ट वीडियो में कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के फर्स्ट रेशियो का मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y के स्थान पे है, y के प्लेस पे है, उन दोनों का मल्टीप्लाई, और लास्ट वालों का मल्टीप्लाई z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1:1 रेशियो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3:1 रेशियो, 3 और 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3:2 6, ठीक है। तो 1:3:6 ये आ जाएगा एक्स वाई जेड तीनों का कंबाइंड रेशियो आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो तीनों का ये अनुपात आ जाएगा, x अनुपात y अनुपात जेड कितना हो जाएगा 1:3:6, तो इस तरह से निकालेंगे जब भी दिया हुआ x और y का दिया हुआ है, y और z का, और तीनों का कंबाइंड पूछ रहा हो, तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री नंबर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यानी कि दो संख्याएं हैं जो किस अनुपात में है 3:8 के अनुपात में है, और उनका अंतर कितना है 115, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो छोटी संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमने वहां एक फार्मूला देखा था, जब भी रियल वैल्यू यानी कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो रियल वैल्यू इक्वल टू फार्मूला क्या था, जो हेल्प दी हुई है, यानी कि कोई एक रियल वैल्यू दी हुई होगी, किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे यहाँ अंतर दिया हुआ है दोनों का, तो जो भी हेल्प दी हुई हो उसके बट्टे में हेल्प का रेशियो, यानी कि उसी का अगर ये अंतर दिया हुआ है वैल्यू तो अंतर का रेशियो हम अपान में लिखेंगे, तो हेल्प का रेशियो, ठीक है, इनटू जिसका फाइंड आउट करना हो, यहाँ छोटी संख्या फाइंड आउट करनी हो तो रिक्वायर्ड का रेशियो से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली इससे निकल आएगा, रिक्वायर्ड का रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे,
ठीक है। तो यहां जैसे कि क्या हो जाएगा, हमें रिक्वायर्ड जो रियल वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, छोटी संख्या की। तो अगर दो संख्या 3:8 के अनुपात में है, यानी कि हमें पहली वाली की वैल्यू, क्या यही छोटी होगी, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हेल्प क्या दी हुई है, 115 ये रियल वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। और ये रियल वैल्यू है किसकी, क्योंकि ये जिसकी रियल वैल्यू है अपन में वही लिखा जाएगा, तो ये रियल वैल्यू है दोनों के अंतर का, यानी दोनों संख्याओं के अंतर का। तो यहां अगर दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात में दोनों का अंतर कितना है, 3 और 8 का अंतर कितना है, 5, तो 5 लिख देंगे। यानी कि जिसकी रियल वैल्यू दी हुई है अपान में वही लिखेंगे, अगर अंतर की वैल्यू है तो अपान में अंतर लिखेंगे अनुपात का, ठीक है। अगर ये रियल वैल्यू होती दोनों के योग का, तो अपान में दोनों का योग लिखते, ठीक है। यानी कि जो भी रियल वैल्यू, जो भी हेल्प दी हुई है अपान में, उसी हेल्प का रेशियो, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट जो करना है उससे मल्टीप्लाई, यानी रिक्वायर्ड का रेशियो। रिक्वायर्ड क्या है कि छोटी संख्या, तो छोटी दोनों में कौन सा होगा, 3 और 8 में 3, तो जो रिक्वायर्ड है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब यहाँ 5 से अगर हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 23 23 × 3 आ जाएगा 69, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी छोटी संख्या की वैल्यू आ गई 69। तो इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी दो संख्या अनुपात में दी हुई हो और उनसे संबंधित कुछ भी दिया हुआ, दोनों का अंतर दिया हुआ हो, दोनों का योग दिया हुआ हो, अगर कुछ भी दिया है, या दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी, तो जो भी दिया होगा उसके बट्टे में उसी का अनुपात, अंतर दिया हुआ थे दोनों का, दोनों अनुपातों का अंतर लिख देंगे, ठीक है। योग दिया हुआ होता तो दोनों अनुपातों का योग लिख देते, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट इसमें क्या करना था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के अनुपात से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 3 और 8 के अनुपात में तो संख्याएं हैं, तो 3 अनुपात वाली छोटी होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ छोटी संख्या आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि 4 संख्याएं 1 1 2 3 4, यानी कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। और उनका योग, यानी कि चारों का योग कितना है, 16। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, पहली और चौथी संख्या के योग की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेम उसी तरह ऊपर वाले फॉर्मूले कर लेंगे। हमें हेल्प क्या दी हुई है, हमें चारों का योग दिया हुआ है, तो चारों का योग लिख लेंगे अपान में हेल्प का रेशियो, यानी कि चारों का योग लिखा है तो चारों के योग का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो में चारों का अनुपात दिया हुआ है, तो चारों का योग कर लेंगे, तो योग कितना जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1 कर लेंगे, यहां से आ जाएगा 10, ठीक है। चारों का योग 10 आ गया, चारों अनुपातों का योग इनटू जो हमें फाइंड आउट करना हो। फाइंड आउट क्या करना है, पहली और चौथी संख्याओं का योग, तो फर्स्ट और फोर्थ का योग कितना है, 4 + 1 = 5, तो जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से कितना आ जाएगा, 8, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का योग कितना है, 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल क्या करना है, जो भी हेल्प दी हुई हो, यानी कोई एक रियल वैल्यू दी हुई होगी किसी की, तो यहाँ चारों अनुपातों की योग की, यानी जो चारों संख्याएं हैं उनके योग की वैल्यू दी हुई थी कि चारों का योग 16 है, तो हमें क्या करना होगा, 16 लिख लेंगे, यानी कि जो हेल्प दी हुई वो लिख लेंगे, और हेल्प का रेशियो अगर चारों का योग दिया हुआ है तो अनुपात में भी चारों का योग करके अपान में लिख देंगे, इनटू जो फाइंड आउट करना है, यहाँ फर्स्ट और फोर्थ का योग फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट और फोर्थ का योग से मल्टीप्लाई, अनुपात में दोनों का योग कितना है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हम 2 अलग अलग संख्या मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मौके के वहां हमें ऑप्शन दिए हुए होंगे तो ऑप्शन से किस तरह हम लगाएंगे, क्योंकि हमें दिया क्या हुआ है, दोनों का योग दिया हुआ है और दोनों का अंतर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में दोनों का योग करेंगे, और योग से योग का जो अनुपात निकल रहा होगा, यानी कि जैसे कि दोनों का योग किया और ये योग से दोगुना है, तो दोनों का अंतर करने पर अंतर भी दोगुना आना चाहिए, ठीक है। योग करने पर अगर योग डायरेक्ट योग के बराबर आ रहा हो, तो अंतर भी डायरेक्ट अंतर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इस तरह से। तो अगर हम मान लें कि पहला अनुपात अगर सही होगा, तो दोनों का योग क्या होना चाहिए, दोनों का योग करें तो आ रहा है 40, ठीक है। दोनों का योग 40 है, तो मान लेते हैं किसी अनुपात में हो सकता है हो, लेकिन अगर दोनों का अंतर करें तो 2 ही आ रहा है, जबकि अगर योग डायरेक्ट 40 आ रहा है तो अंतर भी डायरेक्ट 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा। दूसरा देखें तो 22 और 9 है, दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 31, तो 31 के मल्टीप्लाई में तो है नहीं 40, तो ये होगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। अब सी को देखें, तो सी में अगर दोनों अनुपातों का योग देखें तो कितना है, 20, यानी कि योग 20 है और रियल में कितना है, 40, यानी कि डबल है, इसका दोगुना है, ठीक है। अब अंतर करें तो अंतर कितना है, 2, और रियल का अंतर कितना है, 4, तो वो भी दोगुना है, तो दोनों दोगुने निकले, यानी कि ये सही है,
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनुपात में हमें यही चेक करना है कि अगर योग करें तो योग का योग के साथ जो संबंध बन रहा हो, तो योग कितना है, जो रियल वाला योग है वो इस अनुपात के योग से दोगुना है, ठीक है, तो सही है। तो जो अंतर है वो भी दोगुना होना चाहिए, तो दोनों का अगर हमने डिफरेंस किया तो 2 है और रियल वाला है 4, यानी कि दोगुना है, ठीक है, तो दोनों समान निकले, तो ये सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि वो दोनों संख्याएं इसी अनुपात में हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का ऐड करें तो 29 आएगा और 29 के मल्टीपल में होता नहीं 40, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। तो दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, किस अनुपात में होंगी, 11:9 के रेशियो में। तो इस तरह हम अनुपात से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हमें दोनों संख्याएं माननी नहीं पड़ेगी, ऐसे क्या करना होगा, दो संख्याएं एक्स और माई वाई माननी पड़ेगी और एक्स प्लस वाई 40 लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा 4, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो। तो इस तरह से हमें, क्योंकि वहां ऑप्शन तो दिए हुए होंगे, तो ऑप्शन से इस तरह से हम इलिमिनेट करके निकालेंगे आसानी से आंसर, तो वहां हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर दिया हुआ है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो राशियों का अनुपात, यानी कि जो दोनों की राशि है उनका अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात क्या था, यहाँ सिंपल क्वेश्चन है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, ठीक है, और ए अगर बी को 2 रुपए दे दे तो जो राशियों का अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम अगर ऑप्शन से करें तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग अलग संख्याएं माननी नहीं पड़ेंगी, या फिर हमें पहली 2x और फिर 1x लेंगे, फिर 1 में 2 जोड़ के 1 में 2 घटाएंगे, फिर रेशियो निकाल के इसके इक्वल करेंगे, तो अगर ऑप्शन से करें तो भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लें पहला वाला आंसर सही माने कि शुरुआत में वो दोनों संख्याएं 12:6 थी, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 जो कि सही है, दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ए से बी को 2 दें, ये कह रहा कि ए बी को 2 रुपए दे दे, तो यहाँ अगर 2 दें तो ये कितना बचेगा, 10 और ये 8, तो अनुपात 1:1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरे में चेक करें तो ये 16 है और ये 8, अभी अनुपात कितना है, 2:1, अभी तो सही है क्योंकि शुरू में अनुपात कितना था, 2:1। अब अगर ए बी को 2 रुपए दे दे तो ये कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो दोनों का अनुपात 1:1 नहीं है, तो ये भी गलत। अब अगर देखिए 8 और 4, तो दोनों का अभी रेशियो 2:1 है, जो कि सही है, शुरू में 2:1 था, ठीक है। लेकिन अगर ए जो है बी को 2 रुपए दे दे तो यहाँ कितना बचेगा, 6, और ये भी हो जाएगा 6, क्योंकि ए ने बी को 2 रुपए दिए, अब रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, यानी कि यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। यानी शुरू में उनके पास 8 और 4 ये राशियां थी, ठीक है, तभी उनका अनुपात 2:1 था, और अगर ए बी को 2 रुपए दे दे तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन से बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर दिया हुआ है कि 1 रुपए 117 की राशि को, यानी कि एक राशि है कितने रुपए की, 117 रुपए की, को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करने की जगह 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, यानी कि विभाजित किस अनुपात में करना था, 1:2:1/3:1/4 इस अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन विभाजित इस अनुपात में कर दिया गया, ठीक है। तब कह रहा है कि किसके हिस्से में ज्यादा राशि गई और कितनी ज्यादा गई, ठीक है, तो कितनी ज्यादा गई ये भी निकालना है, और किसकी किसके अनुपात में ज्यादा राशि चली गई है, ठीक है। तो हमें रियल में इस अनुपात में बांटना था, लेकिन हमने गलती से इस अनुपात में बांट दिया, तो हम दोनों ही कंडीशन में निकाल लेंगे वैल्यू तीनों की, और फिर देख लेंगे किसको ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, तो उन दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि 117 रुपए की राशि है, तो पहले हमें किस अनुपात में बांटना था, पहले बांटना था 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटना था। तो पहले तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, एलसीएम लेके सही रेशियो निकाल लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 3 2 का आ जाएगा 12, तो सभी के जो बटे में है हर में 12 बना लेते हैं, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आंसर में, ठीक है, और इसमें 4 से और इसमें 3 से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/12, ये आ जाएगा 4/12 और ये आ जाएगा 3/12, तो सभी के हर में इक्वल है तो कट जाएगा और रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4:3, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। तो अब पहले हम इस रेशियो में तीनों को बांट देंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 117, तो टोटल के बटे में जो वैल्यू रियल वैल्यू दी हुई है, यानी जो हेल्प दी हुई है उसके बटे में हेल्प का रेशियो, तीनों का योग दिया हुआ है, यानी कुल राशि दी हुई है, तो तीनों का योग लिख देंगे, तो तीनों का योग यहां से कितना आ जाएगा, 13 × फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54, और दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे की आ जाएगी तो 9 × 4 36, और तीसरे की तो
थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 27, तीनों की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो आ गया जब हम इस अनुपात में बांटते, ठीक है, लेकिन हमने बांट किस अनुपात में दिया, 2:3:4 के अनुपात में, तो इस अनुपात में बांट देते हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 170 रुपए की राशि है, और बांटना किस अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में, तो टोटल के बटे में टोटल जो कि कितना है, तीनों को ऐड करें तो 9 है, ठीक है, इंटू फर्स्ट की वैल्यू चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 13, और फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी 13 × 2 = 26, और सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 × 3 = 39, और ठीक है तीसरे की वैल्यू प्राप्त करनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 4 = 52 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से तीनों की वैल्यू आ गई, तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब देख लेंगे किसको ज्यादा मिला, तो ये इसकी वैल्यू तो कम हो गई, इसकी भी कम हो गई, इसकी इसको मिली ज्यादा मिली, लेकिन 3 ही ज्यादा मिली, और इसकी देखें तो इसको 25 ज्यादा मिला, ठीक है, 27 से 52 हो गया, तो किसको, सी को ज्यादा मिला, और कितना ज्यादा मिला, 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशन में अनुपात में हम डिवाइड कर लेंगे और तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि किसको ज्यादा मिला और किसको सबसे ज्यादा मिला, ठीक है, और कितना ज्यादा मिला, तो सी को यहाँ ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, 25 रुपए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1250 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 मिले, 2/2 भाग मिले, और सी को ए का 3/4 भाग मिले, ठीक है, तो यहाँ पहले हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, क्योंकि अगर तीनों में बांटना है तो तीनों में एक ही कंडीशन में बांटेंगे जबकि तीनों का एक साथ अनुपात दिया हुआ हो, अलग अलग अनुपात में हम नहीं बांट पाएंगे। तो यहाँ पहला अनुपात क्या दिया हुआ है कि ए को बी का 2/9, तो यानी कि ए को जो मिल रहा है वो कितना है, बी का 2/9 भाग है, ठीक है, तो यहाँ ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी, क्योंकि ए अपन बी का लेंगे तो ए अनुपात 2/9 आएगा, तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 2:9, यानी कि 2:9, ठीक है। इसके बाद हम ए और सी का दिया हुआ है, अगला ए और सी का निकालेंगे, तो ए इक्वल क्या दिया हुआ है कि सी को ए का 3/4, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा, ए का 3/4, तो ए अपन 3/4 हो जाएगा, तो यहां से सी रेशियो ए, यानी कि सी अनुपात ए क्या आ जाएगा, सी अपन ए हो जाएगा 3/4, तो सी अनुपात ए क्या हो जाएगा, 3:4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ ए अनुपात बी और सी अनुपात ए आ गया। अब इसके बाद हम तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे कि तीनों का रेशियो क्या है, उसके बाद हम तीनों में इस वैल्यू को, यानी कि जो राशि दी हुई है, तीनों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ हम तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, तो कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते थे, जो कॉमन होता है उसको सेकेंड में लिखते थे, जैसे कि हम कैसे लिखते थे, ए बी बी सी, ठीक है, तो जो कॉमन होता था उसको यहाँ लिखते थे, और जो पहला होता था, पहला फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई, और ये दोनों का और ये दोनों का, तो यहाँ कॉमन कौन है, ए, तो पहले क्या कर लेंगे, बी अनुपात ए अगर कर लें, और फिर इसको कर लें हम ए अनुपात सी, ठीक है, तो कॉमन वाला इस आ गया इस पोजीशन पे, और ठीक है, और यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए की, तो यहाँ पर इनको हम इसी तरह लिख लेंगे, उसके बाद कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो क्या लिखना है, बी अनुपात है, तो ए अनुपात बी इतना है, तो बी अनुपात ए क्या हो जाएगा, 9:2 उल्टा, ठीक है, उसके बाद ए अनुपात सी, सी अनुपात 3:4 है, तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, 4:3, फिर तीनों का कंबाइंड रेशियो, तो पहले बी की वैल्यू आएगी, फिर ए की, फिर सी की, ठीक है, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू आती है, जब यहाँ देखो तो ए की आती है, फिर बी की आती है, फिर सी की, तो पहले बी की, फिर ए की, फिर सी की आएगी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों के पहले का मल्टीप्लाई, यानी कि 36, और ए की वैल्यू दोनों के मल्टीप्लाई, जो ए कॉमन है दोनों जगह, तो आ जाएगा 8, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा 6, ठीक है, तो अभी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो अभी कट जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा, 18, 4, और 3, ये रेशियो आ जाएगा ए बी और सी का, बी ए और सी इस फॉर्म में, ये बी का, ये ए का, और ये सी का, ये रेशियो आ गया तीनों का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें बांटना है, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1250 रुपए का तीनों में बांटना है, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 1250 जो दिया गया है वो क्या है, तीनों की वैल्यू, तीनों का टोटल, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है, क्योंकि टोटल दिया, तो टोटल के बटे में अनुपात का टोटल, तो तीनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 25। उसके बाद जिसका भी पहले का निकालना हो तो 18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, तो 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 900, तो
तो पहले की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 900 और दूसरा क्या है ए, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 18 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4 आ जाएगा 200। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी। और तीसरा है सी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सी की अनुपात कितना है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 15 × 3 कितना आ जाएगा 150, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 150, तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल दिया हुआ था कि कुल राशि इतने रुपए है जिसको ए और बी और सी तीनों में डिवाइड करना है, तीनों में विभाजित करना है। ठीक है, उसके बाद ए और बी का संबंध दिया हुआ था तो ए और बी का अनुपात हमने निकाल लिया, फिर सी और ए का दिया हुआ था तो सी और ए का अनुपात निकाल लिया। अब कंबाइंड रेशियो निकालना है, तो जब भी हम कंबाइंड रेशियो निकालते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, हमने जब दो थे तो ए बी और बी सी इससे लिखा था, यानी जो कॉमन था वो इस प्लेस में थे, तो यहाँ कॉमन क्या है ए, तो ए को हम इसी प्लेस में कर लेंगे, यानी कि ए को इधर ले जाएंगे तो बी अनुपात ए हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो सी अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद कंबाइंड रेशियो तीनों का आ जाएगा बी ए और सी का, उसके बाद उसी अनुपात में तीनों को हम बांट देंगे। ठीक है, तीनों में बांट दिया तो आंसर आ गया हमारा बी की वैल्यू 900, ए की वैल्यू 200 और सी की वैल्यू 150। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तीनों की। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर दिया हुआ है कि एक्स अनुपात वाई 3:1 हो तो x³ - y³ + x³ + y³ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इन दोनों का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू पहला वाला अनुपात और y की वैल्यू सेकंड अनुपात ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे अगर हम लेंगे x अनुपात y है तो इसको हम 3a लें, इसको a लें। ठीक है, जिस अनुपात में अगर लेंगे तो फिर क्योंकि आगे अनुपात निकालना है और सभी का क्यूब है, यानी कि समान घात में भी है और अनुपात निकालना है तो ए फिर कट जाएगा, तो वैसे भी लास्ट में कटेगा। तो हम ऐसे में जब भी अनुपात निकालना होता है क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 ले लेंगे और वाई की वैल्यू 1 और रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस वाई का क्यूब, वाई 1 है तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा रेशियो। इसी तरह इसमें एक्स का क्यूब कितना था 3 का क्यूब यानी 27। ठीक है, और प्लस यहाँ y का क्यूब, y 1 है तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद 2 से अभी डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 14, तो ये हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा अनुपात, इन दोनों का अनुपात का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जब भी अनुपात में दिया हुआ हो और इस तरह से अनुपात पूछा जाए लेकिन घात समान होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग होगा तो फिर हम ऐसे लेंगे, लेकिन जो भी होगा वो ऐसा देंगे ही कि ए कट जाए, क्योंकि ए के अनुपात में या फिर जो अनुपात आंसर में दिया हुआ होगा उसमें अनुपात में ए होगा। ठीक है, तभी घाते समान नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लेके लिख लेंगे। ठीक है, उस तरह से आंसर निकालेंगे, लेकिन जब ऐसे दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1 ले लेंगे, उसके बाद दोनों की वैल्यू रख के यहाँ पे अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर दिया हुआ है कि 12, 21 और 8 का चौथा यानी कि चतुर्था अनुपात क्या होगा, तो चौथा अनुपात फाइंड आउट करना है। ये 3 दी हुई है यानी कि ए बी और सी की वैल्यू डी हुई है और डी की वैल्यू पूछी गई, यानी चौथा अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जब भी चतुर्था अनुपात पूछा जाए तो हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा था, तो डी बराबर क्या होता है बी इंटू सी यानी कि सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई अपॉन ए यानी कि फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड और थर्ड क्या है, बी और सी है 21 × 8 अपॉन फर्स्ट कितना है 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ डी यानी चतुर्थान पद की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ डिवाइड करें 4 से तो 2, 3 से डिवाइड करें तो 7 × 2 = 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी चतुर्थान पद क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो सिंपली जब भी चतुर्थान पद पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, डी इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी बे इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और उसके बाद आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर दिया हुआ है कि यदि पी अनुपात क्यू इक्वल टू आर अनुपात एस इक्वल टू टी अनुपात यू इक्वल टू 2:3 हो तो एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, ठीक है, अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ टी किसके बराबर होगा। ठीक है, ये पूछा गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पी अनुपात क्यू दिया है तो इसको पी अपान क्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू आर अनुपात एस तो आर अपान एस इक्वल टू टी अनुपात यू तो टी अपान यू लिख लेंगे, इक्वल टू 2:3 है, 2:3 तो 2:3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है अनुपात है जब भी दिया होता है तो हम क्या लेंगे, p की वैल्यू 2 लेंगे, r की वैल्यू 2 और t की वैल्यू s ले लेंगे अनुपात में। ठीक है, और q s और u की वैल्यू क्या ले लेंगे 3। ठीक है, क्योंकि अलग अलग अनुपात p अनुपात q के बराबर भी है, r अनुपात s के बराबर भी यही है और t अनुपात u के बराबर, तो p की वैल्यू हम फर्स्ट वाला ले लेंगे जो अनुपात में है और q की वैल्यू यानी k वाला।
ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों की वैल्यू ले लेंगे और इसमें रख के हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ एम पी है तो पी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2m हो जाएगा, प्लस एन आर है तो एन यानी कि r की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2n हो जाएगा, प्लस ओ टी है तो t की वैल्यू क्या ले लेंगे 2, तो 2o हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पहला, और अनुपात दूसरे में क्या हो जाएगा m क्यू है तो m रहने देंगे और q की वैल्यू 3, तो 3q हो जाएगा, ठीक है। और उस q की वैल्यू रखेंगे 3m आएगा, ठीक है। और उसके बाद n s है तो s की वैल्यू 3, तो 3n आ जाएगा, प्लस ओ यू है तो यू की वैल्यू 3 है तो 3o आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा सभी से, तो m प्लस एन प्लस ओ आ जाएगा, और इसमें 3 कॉमन हो जाएगा तो m प्लस एन प्लस ओ आ जाएगा, तो क्या होगा दोनों कट जाएंगे 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो वही आ जाएगा जो दिया हुआ होगा। तो जब भी ऐसा करें कि जो रेशियो इस तरह से बराबर दे दें और उसके बाद कोई तीन संख्या से जैसे और फिर m का मल्टीप्लाई करें, तो m का मल्टीप्लाई p और q में किया गया, एम पी अपन एम क्यू यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। और n का r और s में, तो देखो n r है और n s है और आगे o है तो o t o u, जब ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि जब इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कोई एक चर का, जैसे कि m का मल्टीप्लाई इन दोनों में, n का मल्टीप्लाई इनमें और o का मल्टीप्लाई इनमें, और फिर ऐसे अनुपात दिया हुआ हो तो वो डायरेक्ट वही आंसर हमारा निकलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ सॉल्व भी करके देखा तो वही आता है। तो ऐसे कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं बुक में, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ लिया है तो सभी क्वेश्चन में यही आता है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो इस क्वेश्चन को देख लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाता है जो कि पहले दिया हुआ था 2:3, तो 2:3 ही आंसर आएगा, तो डायरेक्ट आंसर इसको हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर दिया हुआ है कि 12 और 18 का तृतीय अनुपाति क्या होगा, यानी कि 12 और 18 दो संख्याएं हैं तो इनका तीसरा अनुपात यानी कि तृतीय अनुपात क्या आएगा, यानी कि ये a और b अगर दो संख्याएं हैं तो इनका तीसरा c की वैल्यू क्या होगी। तो हमने फार्मूला देखा था कि जब ये तृतीय अनुपात पूछे तो क्या हो जाता है c इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए, ये वही फार्मूला है क्योंकि मध्य अनुपाति क्या होता है बी स्क्वायर अपान ए सी, तो तृतीय यानी सी की वैल्यू a और b की पता है तो c की पूछनी है तो बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू यहां रख देंगे तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू क्या है 18, तो 18 × 18 अपान ए की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। तो यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये 27 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो जब भी तृतीय अनुपाति पूछे, दो अनुपात दी हुई हो पहला और दूसरा और तृतीय अनुपाति पूछे तो इस फार्मूले में रख के हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात चैप्टर के क्वेश्चन जिनको आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, ये आज के कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, शुरुआत के कुछ सिंपल क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। अब इसके आगे धीरे धीरे जो इसे कठिन क्वेश्चन टफ की ओर हम बढ़ते चलेंगे, यानी कि सिंपल से डिफिकल्ट की ओर हम बढ़ते चलेंगे, आगे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम देखते चलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें कई इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको हम वन बाय वन करके अब नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।